शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है, आप लगातार चैलेंज कर रहे थे, हिम्मत है तो अमेठी से आकर के दिखाएं और आपका चैलेंज कहीं ना कहीं आपकी बात सच हुई। साल 2019 में अमेठी की जनता ने गांधी परिवार को राजनीतिक रणभूमि में त्यागा। आज गांधी परिवार का अमेठी लोकसभा क्षेत्र से ना लड़ना इस बात का संकेत है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के दिशा निर्देश में, उनके नेतृत्व में अमेठी में जो बहुमुखी विकास हुआ है, उस विकास के चलते आज अमेठी की जनता ये पूछ रही है कि अगर 5 साल भारतीय जनता पार्टी के सांसद द्वारा अभूतपूर्व विकास संभव हुआ अमेठी में, 4 लाख गरीब परिवारों के शौचालय बने, 3,50,000 परिवारों को नल से जल मिला, 1,50,000 परिवारों को जीवन में पहली बार विद्युत का कनेक्शन मिला, 1,14,000 घर बने, गरीबों के आवास बने, तो अगर 5 साल में, जिसमें 2 साल कोरोना के थे, अगर भारतीय जनता पार्टी के सांसद और सरकार के लिए ये संभव रहा, तो 50 साल से और विशेषतः 15 साल लापता रहने के बाद इतनी पीढ़ियों की हानि गांधी परिवार ने अमेठी लोकसभा क्षेत्र में क्यों की। आज मैं अमेठी की जनता को नव संकल्प विकास का इसके साथ आश्वस्त करना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार पुनः बनने वाली है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दोनों सरकारों के मध्य में समन्वय कर हम विकास को केंद्र बिंदु बनाकर यहां काम करते रहेंगे। अमेठी के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का पुरुषार्थ परिश्रम, मेरे नेतृत्व का आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन आज अमेठी में चुनाव में वोट पड़ने से पहले ही एक इतिहास रच चुका है। और 20 मई को जब हमारे नागरिक पोलिंग बूथ पर जाएंगे, नरेंद्र मोदी जी को पुनः अपना आशीर्वाद देंगे, तब अमेठी लोकसभा क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा जाएगा। अमेठी के जनता के प्रति मैं जितना आभार वंदन करूं उतना कम है। आज का दिन अमेठी की जनता का जीत का दिन है। रायबरेली में ये कहा जा रहा था कि इसीलिए राहुल गांधी ने चुना क्योंकि वो सेफ सीट है, लेकिन क्या आपने जो विकास किया अमेठी में, शायद ये भी वजह हो सकती है कि इसलिए वो अमेठी छोड़? देखिए, पिछले 3 वर्षों में मैं रायबरेली में दिशा कमेटी की अध्यक्ष रही, सोनिया जी को चेयर रही। इन 3 वर्षों में मैंने स्वयं देखा कि चाहे वो प्रशासनिक कार्य हो या रायबरेली की जनता की दरकार हो, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व रायबरेली में जनता की सेवा के लिए उपस्थित नहीं था। मैं भारतीय जनता पार्टी के रायबरेली के प्रत्याशी को अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। आज उन्होंने नामांकन भरा है और जनता भी ये जानती है रायबरेली की कि जिन्हें अमेठी ने अस्वीकार कर दिया, जो अमेठी छोड़कर वायनाड चले गए, वो रायबरेली के पूर्णता कभी नहीं हो पाएंगे। प्रश्न ये उठता है कि उन्होंने वायनाड में कहा कि वायनाड ही उनका परिवार है, तो आज रायबरेली में क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री ने कहा कि वो वायनाड राहुल गांधी हार रहे इसलिए सुरक्षित सीट तलाश रहे, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टता का परिणाम है कि आज अमेठी लोकसभा क्षेत्र में आप कमल का फूल खिलते देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने पहले से ही जनता को आगाह कर दिया था कि जैसे ही वायनाड में वोट पड़ जाएगा उसके बाद राहुल जी रुख करेंगे एक नई सीट का। प्रधानमंत्री के शब्द साक्षात आपके सामने धरा पर इम्प्लीमेंट होते आप देख पा रहे हैं, इसलिए आज मैं प्रधानमंत्री जी के उस स्वर को पुनः आपके सम्मुख प्रस्तुत करती हूँ जब उन्होंने कहा कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व आज चुनावी रणभूमि से मुंह फेर रहा है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि अब राष्ट्र भर में एक ही स्वर गूंज रहा है, फिर एक बार केंद्र में मोदी की सरकार। स्मृति जी, क्योंकि अब प्रियंका गांधी ने कहा कि मेहमानों का स्वागत है, हम लोग अतिथियों के स्वागत में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। इतना ही कह दूं कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है, क्योंकि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते, अपने प्रॉक्सी को ना लड़ाते।